हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शोभा पाड़ी ब्लॉगर। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज का ब्लॉग बता रही हूँ मैं आप लोगों के लिए स्पेशल पहाड़ी डिश। मतलब बोले तो मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, और आज बना रहे हैं हम अखरोट का जो खीर होती है, हम बोलते हैं खरेड़ुआ बोलते हैं हम, अखरोट का बात मतलब। तो मैं बता रही हूँ, मैंने अखरोट को यहाँ पर मतलब थोड़ा सा इनको छिलके से अलग कर दिया, और अब हम हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं है, मिक्सी वगैरह कुछ नहीं है। तो हम थोड़े थोड़े से ले रहे हैं गिलास में, और ये बेलन है, तो बेलन के साथ इसको ऐसे ऐसे करके कूट रहे हैं। मतलब बिल्कुल बारीक बारीक कर रहे हैं, ज़्यादा बारीक तो नहीं होगी इससे, पर अच्छे होते हैं। चबाने में मज़ा आता है जब खाने मतलब ना चावल, तो अच्छा होता है। तो इसी तरह से मैं सारे को कूट लूँगी। हाँ दिखा रही, हाँ दिखा। ये अच्छे से नहीं होंगे पर फिर भी चलो ठीक ही होंगे, मतलब है नहीं कुछ भी, मिक्सी भी वगैरह नहीं है अभी, और पत्थर भी नहीं है, नहीं तो पत्थर में ये करने के पीसने थे। तो ये हो गया, ये तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम। तो फ्रेंड, मैंने इनको ग्लास में जो बेलन के साथ इनको अच्छे से कूट लिया है। ज़्यादा अच्छे तो नहीं हुए पर फिर भी काफ़ी अच्छे हो गए बारीक। तो फ्रेंड, अभी चावल को पकने के लिए रख दिया है, तो चावल को अच्छे से पकाना है, और फिर उसमें चीनी वगैरह दूध वगैरह डालना है, और उसके बाद फिर इसको अखरोट का जो पिस्ता पाउडर बनाया है इसको डालना है, और इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, और बहुत ही मतलब लाभदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब शरीर के लिए ताकतवर चीज़ होती है अखरोट। तो बोलते हैं कि अखरोट बादाम काजू का मुकाबला करती है, अगर डेली का एक खा ले मतलब जो, तो कमज़ोरी मतलब इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड, अभी मैं बना के बताऊंगी कि कैसा होगा। तो फ्रेंड, चावल पक्के हो गए तैयार। तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा दूध, आजकल थोड़ा कम होता है तो मैंने थोड़ा ही डाला। अब इसमें डालूंगी मैं चीनी, और जो अखरोट पिसे हुए हैं उनको डालना है। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये जो होता है अखरोट का जो खीर होती है, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब किसी किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मीठा खाना पसंद करते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो आप चाहे तो उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है इस टाइम। चीनी अपने स्वाद अनुसार डालनी है, जितनी मतलब आपको मीठा चाहिए होता है। आप थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला मीठी सौंफ, तो भी इसको अच्छे से उबलने देना है, मतलब पूरी चीज़ें मिक्स हो जाएं दूसरे के साथ, जैसे मीठा, नमक, नमक भी डाला मैंने थोड़ा सा।
अखरोट की ना सिड्डा भी बनती है, वो भी कभी बताऊंगी। अब तो अखरोट ख़त्म हो गए, नेक्स्ट ईयर ज़रूर बताऊंगी अगर आप लोगों के बीच रही तो। बोलते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो अगर इसमें हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होना था, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा ही दूध डाला, क्योंकि अभी मेरी गाय जो है दूध बहुत कम देती है। अगर हम चावल को दूध में पकाते हैं तो उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा आता है। तो अभी इसको अच्छे से उबलने देना है और फिर टेस्ट करना है। ड्राई फ्रूट नहीं है, ड्राई फ्रूट से तो इसका स्वाद और भी आता। इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर। मैंने भी ली है थोड़ी सी, एक तो इलायची थी मेरे पास पड़ी हुई। तो फ्रेंड मतलब इसको ना जनवरी फरवरी के महीने में खाते थे, बट इस बार बारिश नहीं हुई, बर्फ़ नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, तो बनाने का टाइम नहीं मिला। और बनाने के लिए मैंने सोचा इनको अखरोट को कहाँ पीसा जाए, तो दीदी ने बोला कि गिलास और बेलन के साथ ये करो, तो मैंने सच्ची में वैसा ही किया। तो आज बनाने मतलब ये उबल भी गया। इसको अच्छे से काटना है और ज़्यादा ये मतलब बिल्कुल ऐसे ही रखना है इसको, बिल्कुल ये थिक नहीं होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए। हिमांशु टेस्ट कर कैसा है? अच्छा। सच्ची? बहुत ही अच्छा बना है। दिवो कैसा बना है बेटे? सच्ची? तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय कर दो भाई, बाय कर दो, बाय करो। तो आज फिर मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो में आए, थैंक यू इसके लिए, मेरे स्वीट से हस्बैंड जी आपका, आप मेरी वीडियो में आए।